देश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। ये नज़ारा है दिल्ली के राणा प्रताप बाग इलाके का, जहां सभी वर्ग और सभी समाज के लोग एकजुट होकर ध्वजारोहण कर रहे हैं और राष्ट्र को सलामी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जगदीश टाइटलर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वैश्य अग्रवाल पंचायत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न RWA सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर कल्चर प्रोग्राम की भी प्रस्तुति देखने को मिली। दिवस की सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। वैश्य समाज की तरफ से ये स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इसमें बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए और बड़े धूमधाम से और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं ये जानता हूँ कि आज भी हमारे देश में इस प्रकार की भावना है, देशभक्ति की भावना है। कई अच्छे कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं। संदेश हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संदेश ये देना चाहेंगे भारतीयों को कि जो चाइनीज चीज़ें हैं, पहले तो सबसे पहले हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए और हमें कुछ टाइम के लिए, चाहे एक दो मिनट के लिए, शहीदों के लिए मौन रखना चाहिए, जिसको ने जो अमर शहीद हुए हैं उनकी शांति मिले उनकी आत्माओं को, और हमें दिल से सलूट करना चाहिए कि जिसकी बदौलत आज़ाद घूम रहे हैं। वैश्य अग्रवाल पंचायत राणा प्रताप बाग की ओर से क्षेत्र समस्त क्षेत्रवासियों को और पूरे देशवासियों को 71वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बड़ों को 15 अगस्त की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका परिवार हंसी खुशी भरा रहे, सबके परिवार में खुशियों की लहर रहे, मैं ऐसी सबके लिए कामना करता हूँ। कहूँगा जय हिंद, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिससे पूरा हिंदुस्तान जुड़ा है, और मेरा आज के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने देशवासियों को यही पैगाम है, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें और याद करें उन सैनिकों को जिन्होंने शहीद हुए और लौट के घर नहीं आए। आज उन्हीं की याद में हम ये स्वतंत्रता दिवस समर्पित करें और प्रण लें कि हम चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और अपने देश की सुरक्षा को हल करेंगे। तो पहले सबसे पहले सबको बधाई दूंगा जी इस दिवस की। सबों ने स्पीच दी, सबों ने समझाया जी, सबों ने बताया और सबों ने जो कहा उसको मानना चाहिए जी। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन हमें कम से कम चाइना के माल के बहिष्कार का प्रण लेना चाहिए, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा आगे जाके। भारत माता की जय।